होगा। एप्लीकेशन नंबर टू। ओके, एप्लीकेशन नंबर टू क्या होता है बेटा? टू प्रूव वेदर फॉर्मूला इज रॉन्ग और राइट। मतलब कि आपका जो फॉर्मूला है वो रॉन्ग है या राइट है, ये प्रूव करने के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है। चलो ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो, सपोज वी हैव गिवन दैट F is equal to mv square by r. We have to check whether the relation is true or false, where F is equal to force, m is equal to mass, v is equal to velocity, r is equal to radius. तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास फोर्स है, LHS, लेफ्ट हैंड साइड फोर्स है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 t-2। ठीक है, राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर आपके पास सबसे पहले है मास, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m1, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला L1 t-1। तो अगर मैं v स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा L2 t-2, और रेडियस है r, तो r का डायमेंशनल फॉर्मूला L1। चले mv स्क्वायर अपन r को कंबाइन करता हूँ, तो m के लिए m1, v स्क्वायर के लिए L2 t-2 अपॉन r के लिए L1। अच्छा, अगर बेस सेम है और डिवीजन है तो इसका सिंपल मतलब होता है कि पावर में सब्ट्रैक्शन होगा। एवरीबॉडी से यस और नो? तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन r, दैट इज इक्वल टू m1 L2 - 1 t-2, यानी कि m1 L1 t-2। अभी आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखो डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट हैंड साइड पर देखो डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर दोनों सेम है तो मैं लिख सकता हूँ LHS इज इक्वल टू RHS। अगर LHS और RHS दोनों सेम है तो इसका मतलब फॉर्मूला इज करेक्ट। बोलो, क्लियर एवरीबॉडी? चले एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो सिंपल सा यहाँ पर W इज इक्वल टू F इनटू D होगा। चले वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 t-2, जो कि आपका LHS है। ठीक है, आपका LHS कितना हो गया भाई? वैल्यू LHS का m1 L2 t-2। चले RHS की बात करते हैं, तो RHS में सबसे पहले है फोर्स F, तो F का वैल्यू होगा m1 L1 t-2। फिर है डिस्टेंस D, तो उसका L1, तो दोनों को कंबाइन कर लेंगे F इंटू D, तो इनका हो जाएगा m1 L1 t-2 इंटू L1, यानी कि m1 L2 t-2। अच्छा बच्चों, अब देखो राइट लेफ्ट हैंड साइड पर देखो और राइट हैंड साइड पर देखो, अगर दोनों सेम है तो आप लिख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये हुआ
कि आपका जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है। बोलो, क्लियर एवरीबॉडी? आई बात समझ में बेटा? देखो सब लोग, यहाँ पर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है डायमेंशनल फॉर्मूला प्रिपेयर करने का, ठीक है? डायमेंशनल फॉर्मूला प्रिपेयर नहीं करोगे तो कुछ भी आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। नाउ एप्लीकेशन नंबर 3। तो एप्लीकेशन नंबर 3 क्या होता है बेटा? तो टू डिराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज, मतलब डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच का जो रिलेशन है यानी कि फॉर्मूला है वो डिराइव करने के लिए भी इसका यूज होता है, ठीक है? चलो मैं कंसीडर करता हूँ। सपोज वी हैव गिवन दैट टाइम पीरियड टी हैज सम रिलेशन विथ लेंथ एल एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। ठीक है, क्या बोला गया बच्चों अपने को कि हमारे पास जो टाइम पीरियड टी है उसका लेंथ एल और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के साथ कोई रिलेशन है, पर क्या रिलेशन है हमें मालूम नहीं है। सो हम यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे? तो सपोज करो टाइम पीरियड टी का एल के साथ रिलेशन है एल रेस टू ए, और टाइम पीरियड टी का जी के साथ रिलेशन है जी रेस टू बी। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो मैं बोल सकता हूँ टाइम पीरियड टी इज प्रोपोर्शनल टू एल रेस टू ए जी रेस टू बी, ठीक है? टाइम पीरियड टी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो है टी वन, लेंथ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दैट इज एल वन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दैट इज एल वन टी माइनस टू, ठीक है? चले तो अभी आप क्या करोगे बेटा? आपके पास टी देखो लेफ्ट साइड पर है तो लेफ्ट साइड पर टी रखो, बीच में इक्वल टू करो, फिर एल है तो एल रखो पावर ए, फिर जी है तो जी रखो पावर बी। चले ये मैंने जो आपका बॉक्स किया है स्क्वायर बॉक्स, ये इसलिए किया है ताकि इसके बाद मुझे सीधा डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो टी का डायमेंशनल फॉर्मूला टी वन, एल का डायमेंशनल फॉर्मूला एल वन पावर ए, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल वन टी माइनस टू पावर बी। चलो तो ये हो जाएगा टी वन, ये हो जाएगा एल। आपको पता है बेटा वन और ए के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा ए, वन और बी के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी, और माइनस टू एंड बी के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस टू बी। अच्छा लेफ्ट साइड पर, ठीक है चलो पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दो बार एल दिए हैं तो बेस सेम होने की वजह से पावर का एडिशन, लेफ्ट साइड पर सिर्फ टी दिया है एल नहीं दिया है तो इसका मतलब एल पावर जीरो होगा। चले कंपेयरिंग पावर ऑफ एल एंड टी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम एल और टी का पावर कंपेयर कर देते हैं तो जीरो इक्वल टू ए प्लस बी। चले आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो एंड वन इज इक्वल टू माइनस टू बी,
दैट मीन्स बी इक्वल टू -1/2, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, और बी का जो वैल्यू है आप यहाँ पर रखो, तो ए -1/2 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू +1/2 होगा। चलो तो ए और बी का जो आपका वैल्यू है ठीक है आपके पास मिल गया। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, तो अभी हम करेंगे कुछ इस तरह से, तो टी प्रपोजनल टू एल रेस टू ए, जी रेस टू बी था, तो टी एल रेस टू ए का वैल्यू है आपके पास 1/2, जी का वैल्यू है आपके पास -1/2, यानी टी इज प्रपोजनल टू एल रेस टू 1/2 अपॉन जी रेस टू 1/2, क्योंकि ऊपर पावर माइनस था तो उसको मैंने डिनोमिनेटर में लेके आया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा √L/G। तो हमने आगे के टॉपिक में देखा था, हमारे पास इक्वेशन होता है टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। बोलो आ गया आपके पास भैया फॉर्मूला, से यस और नो? हाँ अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चले एक और एग्जांपल लेते हैं ठीक है। नाउ यहाँ पर हम बोलेंगे कंसीडर फोर्स हैव सम रिलेशन विद मास एम, वेलोसिटी वी एंड रेडियस आर। प्रूव द रिलेशन, तो हमें रिलेशन प्रूव करना है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो फोर्स एफ है उसका एम के साथ, सपोज करो रिलेशन ए है, फोर्स का वेलोसिटी के साथ रिलेशन बी है, और फोर्स का रेडियस के साथ रिलेशन सी है। अगर इन तीनों को हम कंबाइन करते हैं तो एफ इज प्रपोजनल टू एम रेस टू ए, वी रेस टू बी एंड आर रेस टू सी हो जाएगा। चले एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं रख रहा हूँ m1l2t-2, बी का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं रख रहा हूँ l1t-1, और आर का मैं डायमेंशनल फॉर्मूला रख रहा हूँ दैट इज l1। तो तीनों के मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला रख दिए। अच्छा मास रह गया, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1। चलो मैंने चारों के डायमेंशनल फॉर्मूला रख दिए। अभी हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो रिलेशनशिप है उसमें लेफ्ट साइड पर एफ था इक्वल टू राइट साइड पर एम था जिसका पावर ए, वी था जिसका पावर बी, और आर था जिसका पावर सी। चले तो एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला m1l1t-2 इक्वल टू एम का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 पावर ए, वी का l1t-1 पावर बी, और आर का l1 पावर सी। चलो ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा एम रेस टू ए, एल रेस टू बी, टी रेस टू माइनस बी, एंड यहाँ पर हो जाएगा एल रेस टू सी। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों एम रेस टू ए, एल रेस टू बी प्लस सी, टी रेस टू माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर एल दो बार थे तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का एडिशन होगा। चलो ठीक है, नाउ अभी देखो यहाँ पर तो आपके पास लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर m1 l1t-2 है, तो कंपेयरिंग पावर ऑफ m l and t ऑन बोथ साइड। चलो तो हम m l और t के जो पावर है उसको दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, तो m का पावर लेफ्ट साइड पर 1 है,
राइट साइड पर ए है तो इसको वन देंगे वैल्यू, हम इक्वेशन वन देंगे। अच्छा एल का लेफ्ट साइड पर पावर वन है, राइट साइड पर पावर बी प्लस सी है, इसको इक्वेशन नंबर टू देंगे। टी का लेफ्ट साइड पर पावर टू है, राइट साइड पर पावर माइनस बी है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी बी इज इक्वल टू टू, इसको आप इक्वेशन नंबर थ्री दे डालो। अच्छा बी का वैल्यू इक्वेशन टू में रखोगे तो वन इज इक्वल टू टू प्लस सी, तो इसका मतलब सी इज इक्वल टू वन माइनस टू, तो इसका मतलब सी इज इक्वल टू माइनस वन। चलो आपके पास ए का वैल्यू है, आपके पास बी का वैल्यू है, आपके पास सी का वैल्यू है, तो सारे वैल्यूज अगर हम रखेंगे तो एफ इज प्रपोजनल टू एम रेस टू ए, वी रेस टू बी, आर रेस टू सी था, तो एफ प्रपोजनल टू एम रेस टू ए मतलब वन, वी रेस टू बी मतलब टू, आर रेस टू सी मतलब माइनस वन, तो एफ इज प्रपोजनल टू एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। अच्छा प्रपोजनलिटी हटाना है तो के कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इफ के इज इक्वल टू वन देन एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, जो कि आपका रिलेशनशिप डिफाइन करता है। तो इस तरह से आप रिलेशनशिप लेके आ सकते हो। बोलो एवरीबॉडी क्लियर बच्चों, सब लोगों को समझ में आ गया? एवरीवन प्लीज से यस और नो। ठीक है चलो। नाउ अभी इसमें कुछ हमें क्वेश्चंस पूछे हैं तो क्वेश्चन समझ लेते, ठीक है? कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि हम इसमें और थोड़े से क्लियर हो जाए। देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर वन हमें कुछ इस तरह से पूछा गया है। इफ मोमेंटम पी एरिया ए एंड टाइम टी आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज देन एनर्जी एज द डायमेंशनल फॉर्मूला ओके। चलो तो यहाँ पर मोमेंटम पी एरिया ए एंड टाइम टी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पर कंसीडर कर रहे हैं। ओके ई एनर्जी, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसको हमें ये फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर के तौर पर लाना है। तो सबसे पहले हम जो एनर्जी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला रखेंगे। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l2 t-2, देन आफ्टर मोमेंटम, तो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l1 t-1, देन आफ्टर एरिया, तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है l2, देन आफ्टर टाइम, तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है t1। ओके नाउ अभी मुझे एनर्जी, यहाँ पर देखो बच्चों आपके पास एनर्जी है, तो ये जो एनर्जी है प्लीज यहाँ पर सब लोग ध्यान रखिएगा, ये जो एनर्जी है इसको हम रखेंगे लेफ्ट साइड पर। ओके
और ये स्क्वायर बॉक्स किया ताकि इसके बाद मुझे सीधा डायमेंशनल फॉर्मूला रखना पड़े। फिर पावर, सॉरी मोमेंटम, पावर एक्स, एरिया पावर वाई, और टाइम पावर जेड रखेंगे। चले एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला एम वन एल टू टी माइनस टू, मोमेंटम का एम वन एल वन टी माइनस वन पावर एक्स, एरिया का एल टू पावर वाई, और टाइम का टी वन पावर जेड। चले तो ये हो जाएगा बेटा एम वन एल टू टी माइनस टू, ये होगा एम रेस टू एक्स एल रेस टू एक्स टी रेस टू माइनस एक्स, ये हो जाएगा एल रेस टू टू वाई, और ये हो जाएगा टी रेस टू जेड। चले ठीक है, यहाँ पर एल दो बार है तो आप रख सकते हो एम रेस टू एक्स एल रेस टू एक्स प्लस टू वाई एंड टी रेस टू माइनस एक्स प्लस जेड। ओके, ये एम वन एल टू टी माइनस टू। चले कंपेयरिंग पावर ऑफ एम एल एंड टी ऑन बोथ साइड, तो आपके पास लेफ्ट साइड पर वन होगा इक्वल टू राइट साइड पर एक्स होगा। इसको इक्वेशन नंबर वन दे दीजिए आप, लेफ्ट साइड पर टू होगा राइट साइड पर एक्स प्लस टू वाई होगा, इसको आप इक्वेशन नंबर टू दे दीजिए। ठीक है, फिर लेफ्ट साइड पर माइनस टू होगा राइट साइड पर इक्वल टू माइनस एक्स प्लस जेड, इसको आप इक्वेशन नंबर थ्री दे दीजिए। ठीक है, नाउ इक्वेशन वन की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन टू में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन वन इन इक्वेशन टू, तो आपके पास हो जाएगा बच्चों वन इज इक्वल टू, सॉरी टू इज इक्वल टू वन प्लस टू वाई, चाहिए वन उस तरफ जाएगा तो टू माइनस वन इज इक्वल टू टू वाई, तो ये हो जाएगा टू वाई इज इक्वल टू वन, मतलब वाई इज इक्वल टू वन बाई टू। चले सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन वन इन इक्वेशन थ्री, तो आपके पास हो जाएगा माइनस टू इक्वल टू माइनस वन प्लस जेड, तो जेड इज इक्वल टू माइनस टू प्लस वन, यानी जेड इज इक्वल टू माइनस वन होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यूज आ गई। नाउ अभी हम क्या कर पाएंगे बच्चों यहाँ पर, तो अभी हम यहाँ पर एनर्जी पी रेस टू एक्स ए रेस टू वाई टी रेस टू जेड था, तो एनर्जी पी रेस टू एक्स, एक्स का वैल्यू है वन, ए रेस टू वाई, वाई का वैल्यू है वन बाई टू, और टी रेस टू जेड यानी माइनस वन बाई टू, तो आपका वैल्यू होगा पी रेस टू वन ए रेस टू माइनस वन बाई टू टी रेस टू माइनस वन, तो ये आपका वैल्यू होगा। बोलो क्लियर, जो हमें प्रूव करना था। चले इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है, ओके जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमें कुछ इस तरह से पूछा गया है। ठीक है, इफ इन पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी इक्वेशन, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इंटू बी इज फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, हियर पी इज इक्वल टू प्रेशर V
वी इज इक्वल टू वॉल्यूम एंड टी इज इक्वल टू टेम्परेचर। ठीक है चलो, तो पी प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला एल थ्री। और टाइम सॉरी टेम्परेचर, टेम्परेचर का के वन। अच्छा अभी बच्चों यहाँ पर एक चीज़ आप दिमाग में बिठा लेना, यहाँ पर मुझे P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर दिया गया है, तो जब भी बीच में प्लस या माइनस दिया जाए तो इस कंडीशन में जो लेफ्ट साइड पर मतलब प्लस के लेफ्ट पर जो क्वांटिटी होगा और लेफ्ट प्लस के राइट पर जो क्वांटिटी होगा, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। फिर से एक बार बोलता हूँ, सब लोग ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, बीच में प्लस या माइनस है तो प्लस या माइनस के लेफ्ट साइड पर जो क्वांटिटी है इक्वल टू प्लस या माइनस के राइट साइड पर जो क्वांटिटी है, इन दोनों का फॉर्मूला जो है डायमेंशनल फॉर्मूला वो सेम होगा। अच्छा यहाँ पर P प्रेशर m1 l1 t माइनस सॉरी m1 l माइनस वन टी माइनस टू, ए का मुझे पता नहीं है तो फाइंड करना है। और V वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम होता तो l3 पर वॉल्यूम स्क्वायर है तो ये l6 हो जाएगा। अच्छा अगर मैं ए को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये जो l है वो सामने चला जाएगा, तो हो जाएगा m1 l माइनस वन टी माइनस टू इंटू एल पावर सिक्स। तो ये जो a है उसका वैल्यू मिलेगा आपको m1 l5 t माइनस टू। चलो ये a मिल गया। अभी फर्दर आपके पास और एक इक्वेशन है v माइनस बी। अच्छा अभी आपको मैंने समझाया था कि जब बीच में प्लस हो या माइनस हो क्या होगा बेटा, तो जो लेफ्ट साइड पर क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एंड राइट साइड पर जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो जाएगा। तो अगर मैं इस तरह से डिस्कस करता हूँ तो मेरे पास ए और बी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ए का डायमेंशनल फॉर्मूला है एम वन एल फाइव टी माइनस टू और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला है एल थ्री, क्योंकि जो वी का है वही बी का होगा। तो ए इंटू बी जो है वो हो जाएगा एम वन एल फाइव प्लस थ्री टी माइनस टू, यानी कि एम वन एल एट टी माइनस टू। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ चले उसके बाद हम क्वेश्चन जो अलग क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। देखो तो हमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, From a distance x from an origin changes according to the formula u is equal to a root x upon x plus b, where a and b are constant so the dimensions of a into b, fill in the blank, मतलब a और b के dimensions हमें प्रूव करने हैं, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करूँ तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो
ईयर, यू इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2 t-2, एक्स दैट इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला l1। ओके, तो आपको मैंने पहले ही बताया था जब बीच में प्लस आए तो लेफ्ट साइड पर जो क्वांटिटी है, राइट साइड पर जो क्वांटिटी है, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, तो ये हो जाएगा l power 1। नाउ अभी आपके पास u a√x अपॉन x+b, ठीक है, तो ये जो u है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2 t-2। a मुझे पता नहीं है, रूट एक्स, अच्छा सिर्फ एक्स है तो उसका l1, तो रूट एक्स का l^2 1/2। अब यहाँ पर x+b दिया है, तो x+b या ऐसा कुछ भी, x-b ऐसा कुछ भी दिया हो तो दोनों के अलग अलग डायमेंशंस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक डायमेंशंस लिख दो चलेगा। तो x का डायमेंशन l1 है तो x, और b का भी l1 है तो सिर्फ l1 रखेंगे। अच्छा अगर मैं a को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो m1 l2 t-2, ये जो l1 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और l^2 1/2 है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला होगा बेटा m1 l^3 1/2। कैसे 3 - 1/2? तो देखो ये l2 l1 पावर का एडिशन होगा -1/2 और t^-2। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये हो जाएगा m^1 l^2 5/2 एंड t^-2। चले ठीक है ना, अभी मैं a और b को कंबाइन करता हूँ तो m का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l^5/2 t^-2 × l1। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास m1 l^5/2 + 1, क्योंकि बेस सेम है तो पावर का एडिशन, तो ये होगा m1 l^7/2 t^-2। ये आपका ए और बी का डायमेंशंस हो गए। तो इस तरह से आप लोग डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। बोलो क्लियर एवरीबॉडी? एवरीवन सबको समझ में आया बेटा? अच्छा नाउ अभी कुछ और इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है हमें, समझो अभी जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस तरह से दिया गया है। इफ फ्रीक्वेंसी एफ वेलोसिटी वी एंड डेंसिटी डी आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज दी डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मोमेंटम विल बी फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो आपको यहां पर दिया गया है अगर फोर्स वेलोसिटी डेंसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पर कंसिडर किया जाए तो जो मोमेंटम है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा। ठीक है चले, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ, ओके वेलोसिटी वी और डेंसिटी डी, इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटीज के तौर पर
अगर हम कंसीडर करते हैं और मोमेंटम, पी का जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ एफ वी एन डी लाना है, ठीक है, एफ वी एन डी लाना है। तो देखो बच्चों, आपके पास सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला रखना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला टी रेस टू माइनस वन होता है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला रखना पड़ेगा, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल वन टी माइनस वन। डेंसिटी डी, डेंसिटी का होता है एम वन एल माइनस थ्री। और मोमेंटम पी, पी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम वन एल वन टी माइनस वन। चलिए ठीक है ना, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आप पी रखोगे इक्वल टू राइट हैंड साइड पर आप एफ पावर एक्स वी पावर वाई एन डी पावर जेड करोगे। चलो ठीक है, तो मोमेंटम पी का डायमेंशनल फॉर्मूला एम वन एल वन टी माइनस वन। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला टी माइनस वन पावर एक्स। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल वन टी माइनस वन वाई और एम वन एल माइनस थ्री जेड। चले ठीक है, तो अभी नाउ अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर एम वन एल वन टी माइनस वन, राइट साइड पर टी पावर माइनस एक्स एल पावर वाई टी पावर माइनस वाई एम पावर जेड एल पावर माइनस थ्री जेड। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एम वन एल वन टी माइनस वन एम पावर जेड, ओके, एल पावर माइनस थ्री जेड प्लस वाई और टी पावर माइनस एक्स माइनस वाई। क्योंकि देखो यहाँ पर एल एक बार एल दो बार, यहाँ पर टी एक बार टी दो बार, तो इस तरह से पावर का एडिशन होगा। चले कंपेयरिंग पावर ऑफ एम एल एन टी, तो एम का पावर कंपेयर करोगे तो वन इज इक्वल टू जेड आएगा, इसको इक्वेशन नंबर वन दे दो। फिर एल का पावर कंपेयर करोगे तो वन इज इक्वल टू माइनस थ्री जेड प्लस वाई आएगा, इक्वेशन टू दे दो। फिर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई, इसको इक्वेशन थ्री दे दो। चले सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन वन इन इक्वेशन टू। चलिए इक्वेशन वन वन की वैल्यू हम इक्वेशन टू में डालते हैं, तो यहाँ पर आपके पास वन इज इक्वल टू माइनस थ्री, जेड की जगह पर वन प्लस वाई, ठीक है, आप देख सकते हो। देखो माइनस थ्री जेड प्लस वाई है, जेड इक्वल टू आप वन रखोगे तो आपके पास हो जाएगा वाई इज इक्वल टू वन प्लस थ्री यानी कि फोर, तो वाई का वैल्यू फोर हो गया। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन वन इन इक्वेशन थ्री, चलो वन का वैल्यू थ्री में रखेंगे तो आपके पास फॉर्मूला है माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, ओके। वन की वैल्यू सॉरी थ्री में रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि y इज इक्वल टू फोर इन इक्वेशन थ्री। चलो तो y इज इक्वल टू फोर अगर मैं इक्वेशन थ्री में डालता हूँ तो माइनस एक्स माइनस फोर, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस फोर, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री यानी एक्स इक्वल टू माइनस थ्री होगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, हमारे पास जो बच्चों फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। मोमेंट ठीक है, क्या था हमारे पास फॉर्मूला, तो पी इज प्रोपोर्शनल टू एफ रेस टू एक्स
वी रेस टू वाई एंड डी रेस टू जेड। चलो तो पी एफ रेस टू एक्स, तो एफ रेस टू माइनस थ्री वी रेस टू वाई मतलब 4 एंड डी रेस टू जेड। जेड की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1। तो आपका वैल्यू होगा -3 4 एंड 1। ठीक है, आपका वैल्यू होगा -3 4 एंड 1। इस तरह से फाइंड किया जाता है। बोलो एवरीबॉडी क्लियर बच्चों? एवरीवन सब लोगों ये क्लियर हो गया भाई? देखो इस तरह से ही सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अभी इसके सिवा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। बट बिफोर दैट यहाँ तक सबको मैंने समझा है, सबको क्लियर हो गया? इज देयर एनीथिंग यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी? आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? एवरीबॉडी या सब कुछ समझ में आ गया सबको? बच्चों आप लोगों से बात हो रही है, प्लीज बताओ समझ में आ गया सबको? यस एवरीबॉडी ठीक है। चलो तो देखो फिर से एक बार मैं छोटा सा डिस्कशन कर लेता हूँ आपसे, ठीक है? चलो तो आज हमने डायमेंशनल जो एनालिसिस था उसका एप्लीकेशन नंबर 2 किया। एप्लीकेशन नंबर 2 में हमने कुछ इस तरह से बताया, अगर हमें प्रूव करना है कि कोई इक्वेशन सही है या गलत, तो उसके लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके हमने कैसे किया? तो सपोज करो आपके पास कोई इक्वेशन है, जैसे एफ इज इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाय आर, तो लेफ्ट साइड पर एफ है तो एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला रखो, राइट साइड पर एमवी स्क्वायर अपॉन आर है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ। दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर सेम हो जाता है तो आपका जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है। बोलो क्लियर एवरीबॉडी? डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए दोनों तरफ की वैल्यूज को हम क्या करते हैं बच्चों? कंपेयर करते हैं। एवरीबॉडी क्लियर? चलिए उसके बाद फिर हमने किया, अगर कोई डिफरेंट क्वांटिटीज है इनके बीच में कोई रिलेशन डिराइव करना है तो उसके लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज किया जाता है। ये जो यूज किया हमने यहाँ पर वैल्यूज रखे, ठीक है? चलो तो सपोज करो मुझे एक क्वांटिटी दिया है टी, जिसका लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सल जी के साथ कोई रिलेशन है, तो मैंने कंसीडर किया दैट टी इज प्रोपोर्शनल टू एल रेस टू ए जी रेस टू बी, ठीक है? फिर टी का डायमेंशनल फॉर्मूला रखा, एल का डायमेंशनल फॉर्मूला रखा, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला रखा, फिर सभी जगह पर एल और टी के डायमेंशनल फॉर्मूला कंपेयर किए तो आपके पास ए और बी की वैल्यू आई। ये जो ए और बी की वैल्यू आई वो पावर के तौर पर हमने कंसिडर किया था, वहां पर रख देंगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने सारी डिस्कशन आज किया। बोलो क्लियर एवरीबॉडी? आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। बस तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखेंगे आप सबके साथ, ठीक है? इसकी नोट शेयर की जाएगी और वीडियो शेयर कर दिया जाएगा, आप इसको अच्छे से एक बार देख लेना।